कृष्णापुर गांव में चांदनी नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी। वो न केवल एक भले दिल की लड़की थी बल्कि बड़ी मेहनती भी थी। एक दिन जब चांदनी अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी तो उसकी माँ उसके पास आई। चांदनी बेटी, 4 दिन बाद दीपावली का त्योहार है, इसलिए तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारे लिए कुछ चीजें खरीदने के लिए पैसे दिए हैं, तो तुम ये ले लो और जो कुछ चाहती हो खरीद लेना। माँ ने उसे पैसे दिए। पैसे लेकर वो बड़ी खुश हुई। पापा को थैंक्स। माँ, मुझे त्योहार बहुत पसंद है, मैं शाम में जाकर खरीद लूंगी। उसने पैसे ले लिए। शाम में वो तैयार हुई और सड़क पर जाने लगी और सोचने लगी। जैसे कि स्कूल में मेरी टीचर ने मुझे बताया था, मैं ऐसे पटाखे खरीदूंगी जो एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन नहीं करें। उसने सोचा और सारे इको फ्रेंडली चीजें खरीदने लगी। इस तरह वो आगे बढ़ रही थी। तभी उसे दिए दिखाई दिए। अगर मैं ये दिए खरीदूंगी और घर के सामने रखूंगी तो अच्छा लगेगा, और पास में गई। दिए बेचने वाली औरत बहुत कमजोर और बूढ़ी थी। दादी, क्या तुम मुझे 20 दिए दे दोगी? दिए बेचने वाली बुढ़िया उसे घूरने लगी। आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? अभी तक कोई मुझसे दिए खरीदने नहीं आया था, जब तुम मेरे पास आई और मुझसे 1-2 नहीं बल्कि 20 दिए मांगे तो लगा तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। हर कोई आ रहा है और बड़े बड़े पटाखे खरीद रहा है, मेरे मिट्टी के दिए तो यूं ही पड़े हुए हैं सुबह से। बस बेटी, इसीलिए घूर रही थी तुम्हें, और कोई बात नहीं। वो उदास महसूस कर रही थी। उसकी हालत देखकर चांदनी को बहुत बुरा लगा और वो बोली, अब तुम बस देखती जाओ दादी, तुम्हारे सारे दिए बिक जाएंगे। जब मैं 2 दिन बाद यहाँ आऊंगी तो तुम कहोगी कि दिए हैं ही नहीं। उसने अपनी माँ का मोबाइल निकाला और उस बुढ़िया की एक तस्वीर खींच ली, दिए लिए और वहाँ से चली गई। अपने कमरे में बैठकर चांदनी सोच रही थी। उस बूढ़ी माँ को उस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। जैसे कि मैंने उनसे प्रॉमिस किया है, अगर मैं एक विज्ञापन दूं तो लोग आकर सारे दिए खरीद लेंगे। तो उसने अपना मोबाइल खोला और उस बुढ़िया की तस्वीर अपलोड की और एक विज्ञापन लिखा। दोस्तों, दिवाली का त्योहार धमाकेदार पटाखे फोड़ना नहीं, बल्कि दिया जलाकर जिन लोगों से हमने ये दिए खरीदे उनके दिलों को रोशन करना है। इसलिए इस बूढ़ी माँ से जाकर दिए खरीदो और अपने घर को रोशनी से भर दो। उसने ऐसे लिखा और इसके बहुत सारे प्रिंट आउट निकाले। फिर उसने अपनी साइकिल उठाई और जो पैम्फलेट्स उसने छपवाए थे उन्हें बांटना शुरू किया। कुछ को उसने खंभों पर भी चिपका दिया और लोगों को इस दिए की दुकान के बारे में जागरूक किया। फिर बहुत से लोग उस दुकान पर गए और उस बुढ़िया से दिए लिए। वो बूढ़ी माँ एकदम से इतने सारे लोगों को आया देख पहले तो चौंक गई, फिर खुशी खुशी दिए देकर उनसे पैसे लेने लगी। कल जो लड़की आई थी, उसे कैसे पता था कि आज मेरे सारे दिए बिक जाएंगे? वो बुढ़िया बहुत खुश थी। ऐसे ही 2 दिन बीत गए और उस बुढ़िया की दुकान पर रखे सभी दिए खत्म हो गए। तभी चांदनी वहाँ पर आई। दादी माँ, मुझे 50 दिए दे सकती हो? उसने पूछा। उस समय बुढ़िया घर जाने के लिए अपनी टोकरी समेट रही थी। अब और दिए नहीं है, सारे के सारे बिक गए। ये कहते हुए जब उसने अपना सिर उठाया तो देखा सामने चांदनी खड़ी है। उसे देखकर, अरे बेटी, तुम जो कहकर गई थी कि सारे के सारे दिए बिक जाएंगे, तुमको कैसे पता था कि दिए बिक जाएंगे? बोलो तो। आप ये जानने की क्या जरूरत है, आप आम खाइए, गुठलियों के दाम छोड़िए, चांदनी ने कहा और आगे बढ़ गई। बुढ़िया ने भी अपनी टोकरी उठा ली और जब वो वापस घर जा रही थी तो खंभे पर अपनी तस्वीर लगी देखी और चौंक गई। इसका मतलब है कि उस लड़की ने ही मेरे दिए बिकवाने में मेरी मदद की। उस औरत की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। एक गांव में चांदनी नाम की एक लड़की रहती थी। बचपन में ही उसके माता पिता मर जाने पर वो उसके दादी के पास रहती है। चांदनी दादी के पास रहकर बड़ी होती है। बेचारी दादी बचपन से ही बहुत दुख झेलकर और छोटे उम्र में ही बेटा और बहू की मृत्यु होने पर दादी को
आध्यात्मिकता और ईश्वर की अत्यधिक भक्ति बढ़ जाती है। इसीलिए चांदनी मेहनत करके कमाए पैसों को पूजा पाठ और मन्नतें कहकर खर्चा करती है। एक दिन चांदनी महीने भर के लिए कमाए पैसे घर में दिखाई नहीं देते। घर पूरा ढूंढ ढूंढ कर आखिर में दादी को पूछती है, दादी दादी एक बार इधर आना। क्यों रे बच्ची ऐसे चिल्ला रही हो, उधर मुझे भगवान के लिए प्रसाद चढ़ाना है, जल्दी बताओ क्या बात है, मुझे जल्दी जाना है। ऐसे बहुत जल्दबाजी में रहती है दादी। तब चांदनी को दादी की जल्दबाजी आदत होने पर ऐसे पूछने लगी, ठीक है दादी जल्दी चले जाओ, पर ये बताओ मैंने महीने भर के लिए और घर का किराए के लिए पैसे रखे, वो घर में दिखाई नहीं दे रहे दादी। ऐसे बहुत भोलेपन से पूछती है चांदनी। तब दादी ने, अरे बुलक्कड़ बच्ची वो पैसे अभी तक घर में कहाँ है रे, गणपति जी की पूजा के लिए वही पैसे लिए ना। ऐसे गड़गड़ाहट जैसी खबर कान में डालती है। तब चांदनी ऐसे कहने लगी, अयो दादी वो पैसे लेते समय मुझे एक बार पूछ लेती, वो पैसे मैंने इस महीने के सामान और किराए भरने के लिए रखे हैं। अभी घर का ओनर आने से मैं क्या बोलूं, वो एक दिन भी नहीं रुकेगा। ऐसे डरते समय बाहर से आवाज सुनाई देती है, ओ माँ जल्दी लाओ मेरा किराया, मुझे बहुत सारे घरों को जाना है। ऐसे पूछने पर चांदनी डर डर के ओनर के पास जाती है। चांदनी आते ही ओनर ऐसे कहने लगा, क्यों लड़की खाली हाथ आई, किराया किधर है। तब चांदनी डर डर के, ओ साहब वो क्या है ना, किराया देने के लिए रखे पैसे मेरी दादी ने पूजा के लिए खर्चा कर दी, आप मुझे एक हफ्ता टाइम देने से मैं आपका किराया दे दूंगी। ऐसे चांदनी कहने पर ओनर को गुस्सा आकर जोर से ऐसे कहने लगा, क्यों बच्ची नए बहाने बता रही हो, आज के तारीख में किराया देना है करके तुझे पता है ना, तो बिना दिए कहानियां क्यों बोल रही हो, इस महीने में दशहरे का त्योहार भी है, तेरी दादी को थोड़ा पागलपन है, उसे ले जाकर मेंटल हॉस्पिटल में डाल दे, उसे घर में रखने से ऐसे ही करेगी, इसीलिए तू उसे वहीं छोड़ा, मेरी बात समझी कि नहीं। ऐसे ओनर कहने पर चांदनी को बहुत गुस्सा आता है, तुरंत ऐसे जवाब देने लगी, देखो साहब हमें आपको सिर्फ एक महीना किराया देना है, ऊपर से हमारा दो महीने का एडवांस आपके पास है, इसके लिए आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलना अच्छी बात नहीं है, ऊपर से मेरी दादी के बारे में बात करने का अधिकार आपको नहीं है। ऐसे घर के ओनर से झगड़ा करती है। आखिर में दो दिनों में किराया देने का वादा करने पर वो ओनर वहाँ से चला जाता है। इस तरह दादी के किए कामों की वजह से चांदनी बहुत परेशान होती है। ये सब देखकर दादी ने, ये सब मेरी वजह से ही हुआ ना पोती, मैं सोची दशहरा आ रहा है ना, इसीलिए दशहरे से पहले ऐसे पूजा पाठ करने के बाद त्योहार के दिन थोड़े लोगों को खाना रखने को सोची बेटी, ये मेरी आशा है, इसीलिए मैंने इस पूजा को शुरू की, बताओ क्या मैंने कुछ गलत किया क्या। ऐसे दादी बहुत दुख से पूछने पर चांदनी ने, वो बात नहीं है दादी, भगवान को पूजा करना कोई गलत नहीं है, पर ऐसे हमारे अवसरों को रोक कर करना ही मुश्किल हो रहा है दादी, अगर तुम कुछ भी करना चाहती हो तो मुझे एक बात पहले ही बोल दो, दशहरा तक सब कुछ अच्छा हुआ तो तेरी इच्छा पूरी करूँगी। ऐसे कहकर घर के किराए के लिए कर्जे में पैसे लेकर किराया भर देती है, पर अचानक से उसका काम निकल जाने पर फिर से चांदनी को परेशानियां शुरू होते हैं। फिर से गांव पूरा काम के लिए ढूंढते समय एक व्यक्ति लगेज लेकर बस स्टैंड के पास कूली के लिए देखते समय चांदनी उस व्यक्ति को देखकर, साहब मैं आपका लगेज उठाऊंगी, कूली के पैसे दीजिए। वो व्यक्ति चांदनी से लगेज उठाकर ले जा रहा था और पैसों की पेटी को वो खुद पकड़कर ले जा रहा था। इतने में एक चोर उसके हाथ में रहे पेटी को चुरा कर ले जाता है। चोर चोर ऐसे चिल्लाता है।
तब तुरंत चांदनी उसके सर पर रहे पेटियों को नीचे रखकर चोर के पीछे भागकर उस पेटी को वापस लाती है। तब वो व्यक्ति खुश होकर, तुमने मुझे बहुत बड़ी मदद की, इस पेटी में पैसे घूम जाने से मुझे बहुत नुकसान होता, ऐसे कहकर चांदनी की तारीफ करता है। उसके बाद लगेज ले जाकर चांदनी को कूली के पैसों के साथ साथ इतनी बड़ी सहायता करने पर बहुत सारा पैसा देता है। वो पैसे चांदनी ले जाकर ऐसे सोचने लगी, हाँ बेचारी दादी दशहरे के त्योहार के दिन सबको खाना खिलाना चाहती है, लगता है ये पैसे माँ दुर्गा ने दिया है। ऐसे सोचकर उन पैसों से गांव वालों को खाना खिलाते हैं। चांदनी पास रहकर सबको खाना परोसती है, पर वो खाना खाने के लिए उस गांव के लोग ही नहीं बल्कि अनजान लोग भी आकर खाना खाकर जाने पर चांदनी ना नहीं कह सकी। उसके बाद वो नए लोग खाना खाकर जाने के बाद वो खाना खाए पत्तों के नीचे पैसे रहते हैं। इस तरह नए लोग आकर खाना खाने के बाद उनके पत्तों के नीचे पैसे रहने पर चांदनी दादी से ऐसे कहने लगी, दादी देखी ना तेरी पूजा का फल मिला, माता ने हमारे परेशानियां दूर करने के लिए बहुत सारे पैसे दिए हैं, इन पैसों से हम आराम से रह सकते हैं। ऐसे कहकर उसके घर को लक्ष्मी माता के रूप में आकर उसकी परेशानियां दूर किए दुर्गा माता को मन में प्रार्थना करने लगी चांदनी। विजयदशमी के दिन चांदनी को बहुत पैसे मिलने पर उसे किसी भी चीज की कमी नहीं रहती, उससे दादी की पूजा पाठ में भी कोई कमी नहीं रहती।